पन्ना के मशहूर हीरा खदानों में महिलाएं इस बेशकीमती पत्थर की तलाश में खाक छानती हैं ताकि जीवन यापन के लिए कुछ मजदूरी कमा सकें। घरेलू कामकाज और मजदूरी की जद्दोजहद के बीच खुद के खाने का होश नहीं रहता। पौष्टिक भोजन मिलना तो खैर दूर की बात। ऐसे में ये महिलाएं खून की कमी से जूझती रहती हैं। खनन के नुकसान जग जाहिर हैं, जैसे रोजगार का संकट, भूमि और जैव विविधता का ह्रास। पर महिलाओं पर होने वाले इसके असर पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, खासकर उन महिलाओं पर जो खानों के आसपास रहती हैं और रोजगार के लिए खनन पर आश्रित हैं। देश में हो रहे 87 खनिजों के खनन में महिलाओं की महती भूमिका है। बल्कि 2019 में श्रम मंत्रालय ने भूमिगत कोल माइन में महिलाओं के काम करने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। बावजूद इसके यह स्पष्ट नहीं है कि खनन क्षेत्र में कितनी महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और छोटे बड़े वैध अवैध खानों में काम करने वाली महिलाएं स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर अन्य शोषण झेलने को मजबूर हैं। राजस्थान के जोधपुर इलाके में सिलिकोसिस की वजह से कई महिलाओं ने अपने पति, भाई और अन्य सदस्यों को खोया है। फेफड़े की यह बीमारी पत्थरों से निकलने वाले धूल की वजह से होती है। मुआवजा मिलता नहीं और घर की आय कम होती जाती है। मजबूरन ये महिलाएं उन्हीं खदानों में पुनः काम करने जाती हैं जहां उनकी जिंदगी तबाह हो गई, और खुद ये सिलिकोसिस के खतरे उठाती हैं। यह ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकल पाना मुश्किल है। देश की खनन नीति मजदूरों के निरंतर स्वास्थ्य चेकअप पर जोर देती है, पर जमीन पर इसका पालन नहीं होता है। खदानों के पास रहने वाले लोग प्रदूषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को झेलने के लिए अभिशप्त हैं। उदयपुर के पास फॉस्फेट खानों के नज़दीक के गांवों में कई महिलाओं को गर्भपात तक हो गया। गांव वाले दावा करते हैं कि यह सब खदान से निकलने वाले प्रदूषण की वजह से हो रहा है। बीमारियों के अतिरिक्त खनन से कई बार पूरा समुदाय विस्थापित कर दिया जाता है, खासकर आदिवासी समाज। पूरा समाज अपने मूल से उखड़ता है, जमीन, रोजगार सबसे। जिंदा रहने के जद्दोजहद में महिलाएं कई बार ऐसे काम करती हैं जहां खूब शोषण होता है, दूसरे के घरों में मजदूरी जैसे काम। कुछ महिलाओं को देह व्यापार तक के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन महिलाओं के जीवन और समाज में इस विकराल परिवर्तन से इनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है, जिस पर कभी बात नहीं हो पाती। जिला खनिज फाउंडेशन फंड में महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, पर यह फंड, जिसका उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में कल्याण के काम करने का है, अक्सर खनन के इतर किसी अन्य मद पर खर्च कर दिया जाता है। देश में खनन का विस्तार होना है, ऐसे में महिलाओं के रोजगार, पुनर्वास और कल्याण के अन्य आयाम को प्राथमिकता देने की जरूरत है।